देख सकते हो बहुत इफेक्ट है कोरोना वायरस का, काफ़ी चीज़ें नहीं मिल रही। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैं जा रही हूँ घर का सामान लेने, कोरोना वायरस का इफेक्ट दिखाती हूँ कि क्या है, वहाँ भीड़ है कि नहीं है। चलो चलते हैं। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें मिल रही है। कुछ चीज़ें हैं जो स्टॉक में नहीं है, हैंड सैनिटाइज़र पता ही आपको नहीं मिल रहा है, वो तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट। चलो आगे देखते हैं। क्या सीधा और जोर, कितना भारी सामान हो गया ये देखो, ये सामान ले क्या रहा ये भी। गाइस ये देख सकते हो बहुत इफेक्ट है कोरोना वायरस का, काफ़ी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें लेने आई हूँ तो मुझे लाल मिर्च नहीं मिल रही, दाल नहीं मिल रही, लाल वाली जो मसूर की होती है। मैं देखती हूँ आगे क्या मिल रहा है, और स्टॉक में रख लेते हैं, लेना तो है ही सारी चीज़ें, एक्सपायरी चीज़ें नहीं होने वाली है। और मैं देख लेती हूँ और क्या चीज़ें हैं। बहुत सही, सब्ज़ी वगैरह का थोड़ा सा लग रहा है। वैसे तो पुणे में पता है सारी शॉप बंद हो चुकी हैं, मैंने इसलिए सोचा कि स्टॉक में चीज़ें रख लेती हूँ तो ज़्यादा बेस्ट है। कोरोना वायरस आएगा तो मैं इससे मार दूँगी कोरोना वायरस। शॉपिंग कैरन ने अपने पेन दिखाओ, दिखाओ ये देखो, ब्लू ब्लैक रेड ग्रीन, इतनी खुश है ये। चलो चलो अंदर चलो, क्योंकि मम्मी ने मुझे खुश करवा दिया। वाओ गए हैं, हमारी गाड़ी लग रही है, सामान निकालेंगे यहाँ से। क्या रहे इधर आओ, ये देखो फ्लावर, कितने प्यारे हैं ये, दिखा रही हूँ ये प्लांट्स है, पौधे नहीं है, पता है बट इसमें कीड़ा। निकालो वो आगे वाले बैग भी ले लेना, ये वाले उसमें डाल लेंगे। सही पकड़े हैं, लो पकड़ो पकड़ो। ये इन्होंने कितनी आगे खड़ी करी है सोने, इस सेंट्रो आगे से बराबर। सो गाइस मैं आ गई हूँ सामान लेकर, और क्यारा वहाँ पे है, तो हमको लग रही थी भूख, हमने आके मैंने सोचा ब्रेड पकोड़ा बना लेते हैं, बाहर का हम अवॉइड ही कर रहे हैं, चिकन तो बिल्कुल ही नहीं खा रहे, 2 महीने हो जाएंगे हमें खाते हुए, और मैंने सोचा ब्रेड पकोड़ा बनाती हूँ और खाती हूँ, और आपको भी दिखा देती हूँ कि मैं खाना खा रहे हम।
खाना तो लंच तो कर लिया था, बट थोड़ा सा मन कर रहा था ब्रेड पकौड़ा कुछ ऐसा कुछ खाने का। तो आप देख सकते हो ये बनके रेडी है। और कियारा यहाँ पे मस्ती कर रही थी, थोड़ा सा मैंने कहा आप पढ़ाई कर लो क्योंकि स्कूल तो बच्चे जा ही नहीं रहे हैं, तो मैंने सोचा कि पढ़ाई घर पे ही करी जाए, अच्छे से ध्यान दिया जाए बच्चों पे भी। और वो अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं पीछे बैठ के। तो गाइज मैं ना सारा सामान लेकर ज़रूर आई हूँ, बट ये नहीं कि 10-10 पैकेट एक एक आइटम की चीज़ ले ली है। सबका ध्यान रखना है, हम ही लोग ध्यान रखेंगे। सारी चीज़ें मैंने जो जो लिया है एक एक लिया है, 10-10 पैकेट नहीं लिए हैं। स्टॉक में ज़रूर रखना है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सारी चीज़ें नहीं लेनी है क्योंकि स्टॉक में ख़त्म हो जाएगा तो यार सबका सब कैसे लेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जो ज़रूरी बहुत मेरे को वैसे भी चाहिए थी, और शायद थोड़ा सा कुछ डिफ़िकल्ट आए तो उसका ध्यान रखे। देखो स्टॉक में मेरे पहले से ही पड़ा था ये वाला सामान, तो और इसमें मैंने अभी रख दिया है सारा। तो आप भी ध्यान रखें, चीज़ें ले लें, दालें तो पक्का ही ले लें, ये नहीं है 4-4, 5-5 10-10 किलो दालें ले लें, 1-2 किलो करके अलग अलग तरीके की दालें ले लें, साबुन सारी चीज़ें मैं ले आई थी, सेवलोन ज़रूरी है ये तो ले ही लो, सैनिटाइज़र तो मिल ही नहीं रहा आपको पता ही है हर जगह कहीं पर नहीं है, ऑयल ले आई थी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं लेकर आई हूँ अभी क्योंकि बहुत सामान हो गया था। मिल्क फूड एक मैं लेकर आई हूँ, मैगी के पैकेट, मैक्रोनी, पास्ता, कुछ थोड़ी बहुत खाते नहीं है वैसे ज़्यादा हम, ये ड्राई मिल्क तो रख ही लो लाके, बाई चांस कभी ऐसा होता है दूध नहीं हो तो ड्राई मिल्क हम बच्चों को दे सकते हैं, चाय बना सकते हैं। और ये देख सकते हो मैं ऐसी ड्रिंक बादाम ड्रिंक मिक्स करने के लिए लाई थी। कियारा का ज़रूर बच्चों का ज़रूर ध्यान रखना है, तो चोकोस वगैरह लिए हैं, ये ना बहुत सुंदर सा लगा था मेरे को, मैं उठा के ले आई, ये पियर्स का कोकोनट सॉप था। सो गाइज मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, अपना ध्यान रखना, बाय गाइज़।